प्रणाम नमस्कार। पहले सोमवार की मैंने आपको पूरी अपडेट दी थी क्या कुछ वीरभद्र महादेव में चल रहा है। अब मैं कुछ भाइयों के साथ खड़ा हूँ जो कि कावड़ लेकर यहाँ से जाएंगे, हरियाणा की तरफ लेके जाएंगे। सर हरियाणा से ही हैं आप? जी सर। कैसा लग रहा है पहले, सबसे पहले उत्तराखंड आके? बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार आ रहे होंगे कावड़? पांचवी बार है हमारी। पांचवी बार है, हर बार कुछ नया मांगते हैं या फिर बाबा के नाम पर? तो श्रद्धा बाबा के नाम पे ही है। कुछ श्रद्धा अच्छी फसल हो, बारिश हो, इसलिए। तो कौन सी कावड़ लेके आते हैं आप? जल वाली लेके जाते हैं? डाक कावड़। डाक कावड़ लेके आते। तो क्या कुछ होता है, क्यों लेके जाते हैं डाक कावड़? हमारा समूह है डाक कावड़, तो वैसे श्रद्धा के लिए, मतलब बाबा के लिए। क्या क्या फर्क देखते हैं सर आप डाक कावड़ में और वो उन कावड़ में जो कि जल लेके जल अभिषेक करते हैं बाबा बोले? हमारा समूह है सर, समूह के हिसाब से हम डाक कावड़ लेके जाते हैं। समूह के हिसाब से 15-20 बंदे हैं हमारे, इसीलिए हम जाते हैं। 15-20 बंदे आप? लग 15-20 यहीं आ रखे हैं? हाँ सारे आ रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों को पता ही नहीं होता डाक कावड़ क्या होती है, क्या मतलब होता है डाक कावड़ का? मतलब तो क्या है डाक कावड़ में? तो जल लाना सर, वो रुकना नहीं चाहिए, स्पीड से चले। हाँ स्पीड से चले, वो डाक कावड़ है। मतलब आप एक दिन का एक शेड्यूल करते होंगे कि मैंने इतने बजे यहाँ से निकलना वहाँ पहुँचना? हमारी कावड़ होती है 30-32 घंटों के लगभग कावड़ होती है। 30-32 घंटों? 340 किलोमीटर हमारा। 340 किलोमीटर 30-32 घंटा लगभग बोले कि मैं वैसे तो। अच्छा, अगर जाम जूम हो तो 35 घंटे? 35 घंटे। मतलब कि आप डेढ़ दिन में हरियाणा होंगे अपने, जहाँ पर आप डाल? 22 किलोमीटर आगे गाँव है बड़ा। तो क्या क्या कैसे करते हैं आप वहाँ से, किसी मंदिर से आते हैं या फिर? नहीं गांव से आते हैं, गांव में मंदिर है, मंदिर शिवलिंग जल चढ़ाते हैं वहाँ। तो वहाँ पे मन्नत मांगते हुए आते हैं कि हाँ हमने इतने दिन में इतनी तारीख में यहाँ पर इतने बजे पहुँचना? वो तो 2 तारीख को तो शिवरात्रि की जल चढ़ाएंगे ही, बाकी वो बोले की मर्जी के हिसाब से उठा लेते हैं। आइडिया देखते हैं 30 या 35 घंटे का आइडिया देख लेते हैं उस हिसाब से। तो 5 साल में अरब में क्या फर्क देखते हैं आप ऋषिकेश में? फर्क तो बहुत है, छोटे छोटे फर्क है। क्या आप क्या फर्क देखते हैं? पहले में और अभी में तो साफ सफाई का ही फर्क है। व्यवस्थाएं क्या मिलती हैं आपको? तो बढ़िया व्यवस्था पहले से बहुत सड़ा जी, यहाँ पे वही रहते हैं हम तो, बिश्नोई समाज से आते हैं हमें। तो खाना पीना रहना सब वही? हम नहीं नहीं, हमें साथ में लाते हैं सर। अच्छा, सब साथ में, किचन अपना साथ चलता है, बड़ी गाड़ी लेके आते हैं। अच्छा, मैंने तो देखा है जो डाक कावड़ भागते 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 जाती है। हाँ डाक कावड़ मतलब रुकनी नहीं चाहिए, वो रुकनी नहीं चाहिए। एक बंदा ले लिया इससे आगे दूसरे ले लिया, और अगर रुक गए तो? नहीं रुकती नहीं है सर, रुकती नहीं है आगे से आगे बंदा ले, रुकती नहीं है, थकान नहीं लगती, अशुभ मानते अगर रुक। अच्छा, अशुभ मानते अगर रुक गए। मतलब अब आप कब निकलोगे यहाँ से? हम 31 को निकलेंगे, 31 सुबह निकलेंगे यहाँ से, रात को निकलेंगे, बाकी कावड़ उठाएंगे सुबह 5 बजे। सुबह 5 बजे हरिद्वार से आप कावड़ उठाएंगे, हरिद्वार से कावड़ उठाएंगे 31 को, और 1-2 शाम को पहुंचेंगे। 2 दिन में? नहीं 2 तारीख 9-10 बजे 2 दिन में आप पहुंच जाएंगे। तो फिर रात को भी चलते रहते हो? मतलब रुकना ही नहीं है? रुकना ही नहीं है सर। मतलब 32 घंटे आप कंटिन्यूसली भाग रहे हैं? हाँ जी। कितने लोग होते हैं आप? लगभग होते हैं 2 कावड़ उठाएंगे, 2 जल उठाएंगे सर। एक रूट में 9 बंदे होंगे। अच्छा, एक रूट में। तो गाड़ी वाड़ी भी होती है आपके पास? बाइक वाइक भी होती है? बड़ी गाड़ी भी है। अच्छा, वो आपके साथ साथ चलती है? सारी सुविधा होती है, सारी सुविधा होती है। तो मतलब ये सारी ये सब डीजे डाजे सब लेके चलते हैं। तो 5 साल से आप लगातार आ रहे हैं, एक बार फिर से आपका स्वागत है, भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूरी करे जिस चीज के लिए भी आप आए। और बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए उन तमाम लोगों को जिनको नहीं पता था कि आखिर डाक कावड़ क्या होती है, किस तरीके से कार्य करती है। 350 किलोमीटर यहाँ से जाएंगे, 32 घंटे का एस्टिमेट है, 32 से 35 घंटे का, रुकना नहीं होता है बीच में। रुक गए कहीं गलती से, अगर आप रुक गए किसी की तबियत तबियत खराब हो गई? गलती होती नहीं सर, कुछ नहीं। अगर हो जाता है किसी और से, हो जाता है आपसे नहीं, किसी और से, तो फिर वापस आता है, फिर हरिद्वार आएंगे? तो हमारे किसी से हो ही नहीं है नहीं, मतलब किसी और समूह से रुक जाती है तो फिर वापसी आना ही पड़ता है। बारिश धूप किसी में भागते रहेंगे? नहीं कुछ होया नहीं अभी तक, बोले की मर्जी है, 2 बहन है तो ऊपर निकल जाती है, ऐसे कभी रुकती नहीं है, गाउड चलती रहती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, एक बार फिर से आप सभी का भी स्वागत करता हूँ मैं एक बार फिर से, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या होती है डाक कावड़ पूरा विषय जरूर देखिएगा, समझिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।